क्लॉनिकन दे स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी जिसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको पता है डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, एक सेंस स्ट्रैंड होती है और एक नीचे वाली एंटीसेंस। इसी तरह प्रोसीजर आते हैं कि स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोसेंस स्ट्रैंड। अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर आरएनए के अगेंस्ट एक खुद से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब वो जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, वो प्रोटीन की आगे सिंथेसिस नहीं होती होने देते। तो जब हमने किसी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है, उसकी एक्सप्रेशन को रोकना है, तो फिर ये हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो वही बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो अगर इसका हिस्ट्री की तरफ चले तो सबसे पहले जो आरएनए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो पेट्यूनिया प्लांट के ऊपर हुआ था। ये एक फ्लावरेड प्लांट है जो कि जिसके व्हाइट और ये देखें ये व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये जो पेट्यूनिया प्लांट है इसके ऊपर सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम के अंदर सर्च हुई। इसके बाद एंटीसेंस जो है फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया और स्टीफनसन ने 1970 के अंदर रोज सार्कोमा वायरस के ऊपर उन्होंने स्टडी। इसके बाद सबसे पहले जो अच्छी एंटीसेंस जिसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाए वो एक्सडीन ने और उसके क्लीज ने लेकर बनाए। अगर 1995 के अंदर देखिए तो वो और कैप्स ने क्या किया था, सी एलिगेंस के ऊपर जो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को किया था और वो बड़ी इफेक्टिव थी टू साइलेंस द टारगेट जीन। तो अगर इंट्रोडक्शन को देखें, कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ एंटीसेंस मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए आरएनए सो दैट इट्स कंपोनेंट फॉर्म ए कंप्लीमेंट्री कॉपी टू कॉपी ऑफ नॉर्मल आरएनए मैसेंजर आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि आप डीएनए या आरएनए की ऐसे सीक्वेंस तैयार करते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाकर लग जाते हैं और उसकी आगे प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के तहत तकनीक इन विच ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन इज इनहिबिटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लिगोडी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं और डिजीज की स्प्रेड होने से रोक देते हैं। द लिगोन्यूक्लियोटाइड आर कंप्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए व्हिच फिजिकली बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए एंड दैट सेम व्हिच बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए नोन्स एज एंटीसेंस। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ये आप देखें एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगी आके उसने इंटरप्ट कर दिया नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसिंग ऑफ जीन। अगर आप देखें तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजीज आर क्वाइट आर वेरी सूटेबल टेक्निक्स टुगेदर टू फॉर्म वेरी पावरफुल वेपन फॉर स्टडिंग जीन फंक्शन एंड फॉर डिस्कवरीज ऑफ मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यानी कि इसमें आपको क्या कर सकते हैं, जीन के फंक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा और उस जीन के फंक्शन को आप रोक भी सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को आप रोक भी सकते हैं। व्हाट इज एंटीसेंस लिगोन्यूक्लियोटाइड, ये जो लिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये डीऑक्सी लिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनकी लेंथ अगर देखें तो 15-20 यूनिट न्यूक्लियोटाइड होते हैं विच हाइब्रिडाइज विद अ स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। Ribonucleotide can hybridize with different types of RNA. Messenger RNA के वो एरिया जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट एरिया होते हैं उस पर जाकर लग सकता है, या इंट्रोनिक या एक्सोनिक सीक्वेंस के ऊपर लग सकता है, या डबल स्टैंडर्ड RNA के ऊपर जाकर लग सकता है। तो ये आप देखते हैं ये DNA है, DNA से फिर Messenger RNA बना, Messenger RNA के ऊपर आपने एंटीसेंस ड्रग्स यानी Ribonucleotide लगाए तो उसने आगे ट्रांसलेशन को रोक लिया। तो तीन तरह के हम एंटीसेंस मैसेंजर आरएनए स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है क्या है कि आप लिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है डीऑक्सी लिगोन्यूक्लियोटाइड जो है वो बनाते हैं। दूसरी जो स्ट्रेटजी है बाय ट्रिपलिंग द आरएनए क्लीवेज थ्रू कैटालाइजिंग एक्टिव
न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप राइबोसोम एंजाइम यूज करते हैं जो मैसेंजर आरएनए को कट करते हैं, ये भी स्ट्रेटजी यूज हो रही है। तीसरी है कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए यूज करते हैं एंड यूज बाय स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है, ये आप तीन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो इधर ये पहली स्ट्रेटजी में देखें तो इसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे हैं और वो प्रोटीन की सिंथेसिस को आगे ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी है कि आप राइबोसोम की सीक्वेंस यूज करते हैं, वो आपके मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगती है और वो मैसेंजर आरएनए को कट कर देते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तीसरी है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, है वो इसके साथ बाइंड करता है जाके मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ऊपर इसके ऊपर एक कम्प्लेक्स बन जाता है डिफरेंट प्रोटीन का, जिसको आप कहते हैं आरएनए इंड्यूस सप्लाइसिंग कम्प्लेक्स। ये आरएनए इंड्यूस सप्लाइसिंग कम्प्लेक्स क्या करता है कि आरएनए को ब्रेक कर देता है। तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए को अगर देखें तो इसको साइलेंसिंग आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देता है। कॉमनली यूज फॉर आरएनए इंटरफेरेंस डबल स्टैंडर्ड आरएनए 20-25 बेस पेयर्स होते हैं, जिस तरह के मैसेंजर आरएनए के होते हैं, अपडेट विद आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, फिर वो डाइसर प्रोटीन उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देती है, उसके ऊपर आपका जो बाहर राइबोन्यूक्लियर आरएनए जाकर लगता है, उसके बाद ऊपर प्रोटीन लगती है एगो प्रोटीन और दूसरी प्रोटीन, वो क्या करती हैं एक कम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको कहते हैं आरएनए इंड्यूस सप्लाइसिंग कम्प्लेक्स, वो आरएनए को मैसेंजर आरएनए को कट कर देती है। एप्लीकेशन क्या है, मेडिकल एप्लीकेशन में कैंसर की कीमोथेरेपी में यूज हो सकती है, एड्स की प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकने के लिए यूज हो सकती है। वेटरनरी एप्लीकेशन क्या है, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल में इनका रोल है, जो मेडिसिन यूज कर सकते हैं टू ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं इसके लिए फॉरन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, स्वाइन फीवर को आप ट्रीट कर सकते हैं, एवियन फ्लू को ट्रीट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में जीन एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर कलर एंड डेकोरेटिंग फ्लावर। इंडस्ट्रियल अगर एप्लीकेशन में देखें तो न्यू ड्रग डिस्कवरी में इसका रोल है। तो एंटीसेंस ड्रग डिस्कवरी में कौन कौन से स्टेप हैं, पहले तो आप देखते हैं कि जो प्रोटीन आप ब्लॉक कर रहे हैं उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस, उसका थेरापियोटिक रोल क्या है, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है या नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, ठीक है। जब आपको टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं एंटीसेंस जो रिबोन्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर तैयार करते हैं, जब वो तैयार हो जाते हैं पहले डिजाइन करते हैं कि इसने कौन से मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस के ऊपर अंजाम लगना है, जब डिजाइन हो जाएगा फिर उसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं उसको सेल के अंदर डाल देते हैं, यानी कि सेल कल्चर कर देते हैं, फिर लोड करते हैं इस तरह टारगेट जीन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, पहले आपने आजमाया हुआ है पायलट एनिमल के ऊपर, उसकी एफिकेसी डोज रिस्पॉन्स टाइम डोज और स्टडी चेक किया हुआ है कि ये 3 माह में काम कंप्लीट होता है, 4 में या 5 में, ये पहले आपने स्टडी की है, फिर आप उसका टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि कोई टॉक्सिक कंपाउंड तो नहीं करते जो आप एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसके आप ट्रायल करते हैं फेज 1 में फेज 2 में फेज 3 में, अगर कोई टॉक्सिसिटी आती है फिर उसका आप हल ढूंढते हैं। अगर और इसकी एप्लीकेशन देखें तो बीटा थैलेसेमिया साइटोप्लाज्मोसिस रेटिनाइटिस को कंट्रोल करने में यूज होती है, हेमरेज फीवर वायरसेस को कंट्रोल करने में यूज होती है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कंट्रोल करने में यूज होती है, कैंसर को कंट्रोल करने में यूज होती है, एचआईवी और एड्स को कंट्रोल करने में यूज होती है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में। ये दोबारा वही है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए के ऊपर आप एंटीसेंस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लगा देते हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, तो यही उसका प्रिंसिपल है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का। तो सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू, की मानेगा।